अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता रहे बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां पर शराब कांड में मौतों का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। मामले में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 65 शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां पर लगातार जो जहर है वो लोगों तक पहुंच रहा है और उसके शिकार वो लोग हो रहे हैं। शराब कांड में अभी तक 65 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 65 लोग शव अभी पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर लगातार हम कहर देख रहे हैं जहरीली शराब का। और अलीगढ़ से जो बड़ी खबर ये आ रही है कि अभी तक 65 लोगों की मौत शराब कांड में हो चुकी है। सिलसिला लगातार जारी है मौतों का, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही जो हुई है उसका खामियाजा अब तमाम परिवार भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। 65 लोग काल के गाल में समा गए हैं जहरीली शराब पीने की वजह से अभी तक शराब कांड में। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है, इस पर रिपोर्ट तलब की है और कई लोग इस पूरे मामले पर उन पर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। कई परिवार उजड़ चुके हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर कानपुर देहात से आ रही है, जहां पर खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार पुलिस की मिली भगत से। ये मिट्टी का खनन किया जा रहा है और लगातार इस पर रोक लगाने की कोई कोशिश भी नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने खनन की सूचना हालांकि पुलिस को दी है, मौके पर पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करने ही पहुंची और फिर वापस लौट गई। भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के सटटी गाँव का ये मामला है, शाहबाद ब्लॉक का ये पूरा मामला है जहाँ पर मिट्टी का खनन किया जा रहा है। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम सरेराह यहां पर खनन किया जा रहा है मिट्टी का और कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं है। प्रशासन को ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन खाना पूर्ति करके वापस लौट गई। कानपुर देहात की एक घटना है, मामला है भोगनीपुर क्षेत्र का, ये पूरा मामला शाहबाद ब्लॉक में ये पड़ता है और ऐसे में यहाँ पर इस तरह से खनन किया जा रहा है। पुलिस की मिली भगत से ये पूरा मिट्टी का खनन किया जा रहा है। और इस बीच रामपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से, जहां पर 56 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुल पॉजिटिव जो मामले हैं वो 279 पहुंच गए हैं। लगातार कोरोना से जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं और ऐसे में ये अच्छी खबर भी है, लेकिन फिलहाल के लिए मामले लगातार सामने भी आ रहे हैं। रामपुर से कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं, पिछले 24 घंटे में 56 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। तो लगातार हम देख रहे हैं मामले ज़रूर कम हो रहे हैं और लोग डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहे हैं, और लगातार जो कोरोना के मामलों में जो कमी आ रही है वो एक अच्छी खबर लेकर आ रही है। तो रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कोरोना के मामलों में कमी जरूर देखी गई है, लेकिन अभी भी मामले लगातार कोरोना के सामने आ रहे हैं। 26 नए मामले सामने आए हैं। और इस बीच उन्नाव से भी बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से, जहां पर चुनावी रंजिश के चलते मारपीट हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधान पुत्र समेत 4 लोगों पर हमला किया गया है। मारपीट में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उन्नाव से बड़ी खबर, जहां पर सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मवई भान में मारपीट हुई है और इसमें कई लोग घायल हुए हैं। चुनावी रंजिश के चलते ये मारपीट होने की जानकारी अभी तक मिल पाई है। चुनावी रंजिश के चलते ये सब हुआ है। प्रधान पुत्र समेत 4 लोगों पर हमला किया गया है और मारपीट में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और भोपाल से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राजधानी में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर डबल मर्डर हुआ है। 5 साल पहले महिला ने पति की हत्या की थी, अब देवर को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले पर अब जाँच पड़ताल की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहाँ पर डबल मर्डर से सनसनी मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है राजधानी के अंदर। 5 साल पहले महिला ने पति की हत्या की थी और अब एक बार फिर से देवर को मौत के घाट उतार दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने शव को हालांकि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है इस मामले में।
और सोनभद्र से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर रखा है। जिस तरह से अलीगढ़ में कांड हुआ है, उसके बाद से लगातार मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही। तमाम जनपदों में 25 तस्करों को पकड़ा भी गया है। 255 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। भारी मात्रा में लहन भी बरामद की गई है पुलिस की तरफ से। सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कच्ची शराब को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और अवैध जो कच्ची शराब है उसके खिलाफ अभियान चलाकर जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। 25 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इस मामले के मद्देनजर 255 लीटर कच्ची शराब को बरामद किया गया है सोनभद्र से, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भारी मात्रा में लहन को भी बरामद किया है और इस पूरे मामले पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।